और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक में आता हूं आपके पास, लेकिन एक अहम जानकारी दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। ट्रेन हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट यह कि 25 लोग घायल हैं, यानी घायलों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है। 4 की मौत हो चुकी है, 4 जाने जा चुकी हैं और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आप ये मानकर चलिए कि ये दोनों संख्या बढ़ सकती है, घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है जिस तरीके के हालात हैं। अभिषेक, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए घायलों की संख्या के बारे में मेरे साथी जो वीरेश पांडे हैं, जो कि लगातार ये इन्फॉर्मेशन मौके से कलेक्ट कर रहे हैं, अभी इनकी बात हुई है, आपकी बात अभी फिर से मेरे ख्याल से डिप्टी सीएम से आपकी बात हुई है और घायलों की संख्या के बारे में एग्जैक्ट आपने पूछा, क्या बताया? देखिए जो सूचना विभाग है वो तो 20 की संख्या बता रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यूपी के डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि 25 के करीब घायलों की संख्या हो गई है। जिस तरह का हादसा हुआ ये संख्या और बढ़ भी सकती है, निश्चित रूप से, इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। ये प्रारंभिक जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी है। उन्होंने कहा था कि मैं 10 मिनट में बताऊंगा, उन्होंने अभी बताया कि 25 के करीब जो है हादसे, जो मौके पर जो स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं उनसे जो उनके फीडबैक, निश्चित रूप से उनका यह कहना है कि जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस में रख के सबसे पहले प्राथमिकता है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो जो एम्बुलेंस हैं, जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं, वो लगातार अपने स्वास्थ्य मंत्री को संपर्क में है और वो जानकारी दे रहे हैं और उनके हवाले से 25 के करीब अभी घायल हैं और संख्या बढ़ सकती है, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया। और निकालने के लिए वीरेश, चूंकि 3 कोच ऐसे हैं जो पलट गए हैं, निकालने के लिए किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं मौके पर? मेरे ख्याल से पुलिस वहां मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने एक बड़ा सवाल पूछा और इसकी जानकारी वहां के जिलाधिकारी ने दी है गोंडा के। उनका कहना है कि जो गोंडा से क्रेन मंगाई जा रही है और लखनऊ से एक जो बड़ी क्रेन है रेलवे की, उसे भी भेजा जा रहा है। आप अपडेट दे रहे हैं, गोंडा और लखनऊ दो जगहों से क्रेन भेजा जा रहा है बाकायदा कि उसको अलग किया जा सके। एक बड़ा स्टेशन है जैसा आप लगातार कह रहे हैं, वहां पर ये सारी सुविधाएं थोड़ी बहुत रहती जरूर है, लेकिन लखनऊ से भी जो DRM है वो भी संपर्क में है और DRM के संपर्क में यहाँ का जिला प्रशासन भी है और साथ ही साथ शासन भी है। अभी भी वीरेश जानकारी क्या मिल रही है, अभी भी फंसे हुए लोग हैं अंदर? जी, स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से खबर यह है कि अभी भी स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार वहां पर फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं, निरंतर घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, इससे इनकार उन्होंने नहीं किया। यह कि इसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, उनको थोड़ा सा वो एक और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है उनका फंसा होना। उनका जब मैंने पूछा कि ये बहुत ही कठिन समय है, उन्होंने कहा कि बहुत इस जो गर्मी का मौसम है, जिस तरीके से वहां हवा है, पानी है, जिस तरीके से वहां तमाम असुविधाएं हैं, उस बीच जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोग देवदूत की तरह से वहां पर मौजूद हैं, ये भी मानना पड़ेगा। बड़ी बात मैं बताऊं आपको, कई पार्टी के, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार संपर्क में वहां के जो लोकल लीडरशिप है वो मेरे संपर्क में है। रमापति शास्त्री पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और वो लगातार वहां कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से जो गांव के जो लोग हैं वो पहुंचे वहां पर, वही पहुंच करके बचाओ, सबसे पहला बचाव तो गांव वाले ही पहुंचे वहां पे। जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले गांव वाले ही पहुंचे। अभिषेक, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। ABP News आपको रखे आगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।